दूसरी तस्वीर हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, शीलानंद झा परिवार पूरी तरह गणेश भगवान के प्रति समर्पित दिखाई दिया। हम आपको लेके चल रहे हैं उनके निवास स्थान पर, जहां पर गणेश पूजा के दौरान उन्होंने शुभेच्छाएँ दी हैं। और ख़ास करके गणेश पूजा, जिस तरीके से पूरा परिवार कहते हैं सांस्कृतिक किसी की धरोहर नहीं होती, पर संस्कार जिस तरीके से दिया जाता है वो उनके घर पे देखने को मिला। चलिए हम आपको लेके चले हैं, शीलानंद झा का पूरा परिवार वहाँ पर समर्पित था। सर क्या कहेंगे, पूरे शहर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, शहरवासियों का कहें। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरा भिवंडी वासियों को गणेश चतुर्दशी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे ही गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं जो हर साल इसी तरह हंसी खुशी रिद्धि सिद्धि को लेके आवे और भिवंडी वासियों का विकास हो और भिवंडी वासियों को जो ये यहाँ पर में जो तकलीफ है रोजी रोजगार में भड़कत हो, अगर गणपति पापा से यही प्रार्थना करेंगे कि भिवंडी का मंगलमय रखें। ये सवाल करने बात की इंद्रदेव की कृपा और महानगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही और सड़कों की दुर्दशा के बारे में आपकी क्या है? अभी यहाँ पर में कांग्रेस के महानगर पालिका है, उनका सत्ता है यहाँ पर में, और हम लोग यही देखते आए, हम लोगों को जिंदगी यहाँ निकाल दी है और ये रोड सड़क का ये पोजीशन थी। अभी हम लोगों को एक उम्मीद जगी थी जो भाई बीजेपी गवर्नमेंट है और अच्छा विकास होएगा, और विकास हुआ है, लेकिन ये रोड सड़क बोलते हैं महानगर पालिका के हाथ में है, तो महानगर पालिका के जो लोग हैं, जो उनका पदाधिकारी है, उनका जवाबदारी बनता है जो ये गणपति पूजा में जो लोगों को इतना तकलीफ हो रही है। आज विसर्जन के लिए लोग जहां 100-200 का जनसंख्या में लोग विसर्जन में जाते थे, आज लोग 5-10 के संख्या में जाते क्योंकि डर लगता है कहीं गिर जाएंगे कहीं पड़ जाएंगे। तो ये हम महानगर पालिका के पदाधिकारियों को बोलते हैं जो आप ये रोड के ऊपर में कम से कम ध्यान दीजिए, क्योंकि रोड ही सब कुछ है, रोड रहेगा लोगों को चलने फिरने में, गाड़ी घोड़ा रोड पे गिर रहा है, तो ये सब को ऊपर ध्यान देना वो महानगर पालिका का काम है। और हम लोग यही गणपति पापा से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे जो महानगर पालिका का जो कर्मचारी है और जो उनका बड़े ऑफिसर है उनको सद्बुद्धि देवे जो ये भिवंडी के विकास को। सर क्या कहेंगे, गणेश भगवान की जो धूम मची हुई पूरे शहर में, क्या सुरक्षा है? धन्यवाद हम सारे भिवंडी वासियों को। और मेरी यही जय भगवान की कृपा है भिवंडी वासियों हुए कि हमेशा ये कृपा बनाए रखें, और 10 दिन बाद इनकी विदाई की जाती है, सब हर्षोल्लास से इनका विदाई करते हैं, तो हमें ही कृपा भगवान अनुरोध करते हैं कि कृपा हमेशा बनाए रखें हम लोगों की पूरे भिवंडी वासियों।